हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं सिंक्रोनस मशीन्स के, ठीक है। और जो क्लास टेस्ट हुआ था उनके वो सारे क्वेश्चंस वही हैं, ठीक है ना। जो लोग टेस्ट नहीं दिए थे उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा उनके एग्जाम्स के लिए, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है ना। ये वीडियो दो पार्ट्स में होंगे, ठीक है ना, पार्ट वन एंड पार्ट टू। आप दोनों पार्ट ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ क्वेश्चंस के थ्रू ही, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है व्हेन अ सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग एट सिंक्रोनस स्पीड द डैम्पर वाइंडिंग प्रोड्यूसेस। यानी कि अगर सिंक्रोनस मोटर अगर सिंक्रोनस स्पीड पर रन कर रहा है तो उस वक्त डैम्पर वाइंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगा, डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, एडी करंट टॉर्क प्रोड्यूस होगा, या जो भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो जो टॉर्क है उसको उसमें उस टॉर्क को बढ़ाएगा या कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो देखिए डैम्पर बार्स जो है ना वो साइलेंट पोल सिंक्रोनस मशीन में हम लोग यूज करते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो तरह के रोटर हम लोग यूज करते हैं, एक होता है सिलेंड्रिकल और एक होता है साइलेंट पोल। तो साइलेंट पोल का जो पोल फेस होता है ना, जो पोल फेस, वहां पे हम लोग डैम्पर बार यूज करते हैं। तो मैं डैम्पर बार अगर मैं साइलेंट पोल बनाऊं तो साइलेंट पोल मशीन अगर ऐसा है तो यहाँ पे डैम्पर बार्स प्रोड्यूस होते हैं, इनके पोल को इस पे हम लोग डैम्पर बार को लगाते हैं। तो अगर ये रोटर जो है जो अगर सिंक्रोनस स्पीड पे रन कर रहा है एनएस स्पीड पर, और जो स्टेटर का भी क्या है, स्टेटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी एनएस स्पीड पे ही रन कर देता है, क्योंकि ये सिंक्रोनस मशीन है। अगर रोटर भी एनएस स्पीड पे रन कर रहा है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 1500 आरपीएम पे दोनों रन कर रहे हैं, अगर 1500 आरपीएम पे दोनों रन कर रहे हैं तो डैम्पर बार्स में ये डैम्पर्स बार कुछ नहीं होता, ये कॉपर बार्स होते हैं या फिर एल्यूमिनियम बार्स होते हैं, ठीक है ना। तो डैम्पर बार्स में का भी स्पीड जो होगा वो भी 1500 आरपीएम ही होगा। तो स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड SRMF जो है, स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और डैम्पर बार्स में जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर दूसरे वर्ड में बोले तो डैम्पर बार्स जो है, डैम्पर बार्स को जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो कट नहीं करेगा। कट करने के लिए क्या चाहिए, रिलेटिव स्पीड होना जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है तभी उस कंडक्टर में वोल्टेज इंड्यूस होता है। तो यहाँ पर डैम्पर बार्स भी चूंकि सिंक्रोनस स्पीड पर ही रन कर रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वोल्टेज नहीं होगा तो करंट नहीं होगा, करंट नहीं होगा तो टॉर्क भी नहीं होगा, ठीक है ना। मोटरिंग एक्शन यहाँ पर नहीं होने वाला है, ठीक है ना, डैम्पर बार्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में तो मैं इसको और आगे बढ़ा देता हूँ, क्योंकि आगे भी एक दो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, हम लोग देख लेते हैं। अगर रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू हंटिंग तो क्या होता, अगर रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि रोटर का जो स्पीड है, रोटर का जो स्पीड वो मैंने मान लिया 1550 हो गया, ठीक है ना, 1550 आरपीएम हो गया। तो अब जो है 50 आरपीएम का रिलेटिव स्पीड आ जाएगा किसमें, डैम्पर बार्स और स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। यानी कि अब डैम्पर बार्स में क्या होंगे, वोल्टेज इंड्यूस होगा, करंट फ्लो करेगा और टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा। बट ये टॉर्क कैसा होगा, ये टॉर्क होगा इंडक्शन जनरेटर टॉर्क, क्योंकि हमें पता है इंडक्शन जनरेटर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लगता है वो रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि प्राइम मूवर टॉर्क जो लगता है वो लगता है रोटेशन के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो लगेगा वो रोटेशन का अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। तो अगर रोटर अगर 1500 आरपीएम से ज्यादा आरपीएम पर रन कर रहा है तो उसके डैम्पर बार्स पे एक टॉर्क डेवलप हो जाएगा जो क्या करेगा, उस 1550 आरपीएम को फिर कम करके 1500 आरपीएम पे लेके आ जाएगा, यानी कि हंटिंग को रिड्यूस करेगा। इसलिए बोला जाता है कि डैम्पर बार्स का दो पर्पस है। अगर हम सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो हमारे पास दो पर्पस है, पहला पर्पस है हंटिंग और दूसरा पर्पस है स्टार्टिंग मेथड के लिए हम लोग डैम्पर बार्स को यूज करते हैं, ठीक है। और हंटिंग क्या होता है, जो ऑसिलेशन होता है रोटर का, ठीक है ना, उसको हम लोग हंटिंग बोलते हैं, ठीक है, क्लियर इतना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर चूंकि सिंक्रोनस स्पीड पर ही रन कर रहा है रोटर, यानी कि रोटर में ही डैम्पर बार्स लगे रहते हैं, तो यानी कि डैम्पर बार्स भी सिंक्रोनस स्पीड पर रन कर रहे हैं और स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी सिंक्रोनस स्पीड पर ही होता है, वो तो हमेशा होता है सिंक्रोनस स्पीड पर। तो यहाँ पर कोई रिलेटिव स्पीड नहीं होगा, रिलेटिव स्पीड नहीं होगा तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से वहाँ कोई भी वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो फोर्स लगने के लिए तो करंट चाहिए कंडक्टर में, क्योंकि हमें पता है F इज इक्वल टू I L B sin थीटा होता है,
चलिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मान लेते हैं, तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी ले लीजिए, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे अगर करंट है ही नहीं, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रख भी दिया है और कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस यहाँ पर नहीं होने वाला है, चूंकि रोटर का स्पीड और क्योंकि रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर रन कर रहा है, इसका मतलब है फील्ड और रोटर के बीच में कोई भी रिलेटिव स्पीड नहीं है। जब भी रिलेटिव स्पीड आएगा तभी डैम्पर बार्स का काम है, अदरवाइज कोई काम नहीं है डैम्पर बार्स का, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, टर्बो अल्टरनेटर सेट्स फीड पावर टू ए थ्री फेज कॉन्स्टेंट वोल्टेज कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी बस, इफ द स्टीम सप्लाई टू द सेट इज कट ऑफ देन द सेट विल। देखिए, एक अल्टरनेटर है यानी कि एक जनरेटर है, सिंक्रोनस जनरेटर, वो क्या कर रहा है, एक बस बार को, बस बार का मतलब है कि वहाँ पे वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होता है बस बार का। आप इस चीज़ को रेडीमेड मान के चलिए, आप इसको ले लीजिए एज ए कॉन्सेप्ट, आप इस चीज़ को रखिए कि बस बार जब भी बोला जाए या इन्फाइनाइट बस बार जब भी बोला जाए, इसका मतलब है कि वहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक जनरेटर है जो क्या कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है किसको, एक बस बार को सप्लाई कर रहा है, और बस बार एक ऐसा कॉपर का स्ट्रिप आप समझिए जहाँ पर सिर्फ एक ही जनरेटर नहीं सप्लाई कर रहे हैं, और भी बहुत सारे जनरेटर्स क्या हैं सप्लाई कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर एक जनरेटर है, फॉर एग्जांपल अगर एक जनरेटर है वो क्या कर रहा था, बस बार को सप्लाई कर रहा था, ये आपका बस बार है, इसका वोल्टेज है वी। अब क्या हुआ, इस जनरेटर का जो प्राइम मूवर था वही फेल हो गया। प्राइम मूवर फेल होने का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइम मूवर नहीं बोला, यहाँ बोला स्टीम सप्लाई टू द सेट इज कट ऑफ। स्टीम सप्लाई खत्म करने का मतलब क्या है कि प्राइम मूवर के पे जो आप स्टीम डाल रहे थे वो स्टीम अब खत्म हो गया, स्टीम नहीं है। अगर स्टीम अगर नहीं गिरेगा प्राइम मूवर के ऊपर तो जो टर्बाइन है वो रोटेट करेगा ही नहीं। अगर टर्बाइन नहीं रोटेट करेगा यानी प्राइम मूवर क्या है, फेल हो गया प्राइम मूवर। तो ये पहले इंड्यूस वोल्टेज ई था, अगर ये जनरेटर होता तो ई ज़्यादा होता है वी से, ठीक है ना। ये सप्लाई कर रहा होगा पावर, ठीक है ना, ये बस बार को सप्लाई कर रहा था। बट जैसे ही प्राइम मूवर जो है, प्राइम मूवर अगर जीरो हो गया, प्राइम मूवर टॉर्क अगर जीरो हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी वी से। अब ये सप्लाई लेने लगेगा, अगर कोई मशीन सप्लाई ले रहा है यानी कि वो मोटर हो गया, क्या हो गया, ये हो गया मोटर, यानी सिंक्रोनस जनरेटर जो है, अल्टरनेटर जो है वो सिंक्रोनस मोटर की तरह काम करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क रिवर्स हो जाएगा। आप समझिए बात को अच्छे से, देखिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये शाफ्ट है, अगर जनरेटर है तो प्राइम मूवर टॉर्क इधर लगता है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इधर लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, और स्पीड हमेशा प्राइम मूवर के ही डायरेक्शन में होती है अगर जनरेटर है तो। तो अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा, और स्पीड भी कहाँ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है। तो इसी डायरेक्शन में आपका जो जनरेटर है वो रोटेट होता रहेगा, बट सिंक्रोनस मोटर बन जाएगा वो, यानी डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। अगर स्टीम इनपुट चेंज होता है, फिर अगर स्टीम इनपुट फेल हो जाए या प्राइम मूवर फेल हो जाए सिंक्रोनस जनरेटर का, अगर वो बस बार से कनेक्टेड है तो वो सप्लाई लेने लगेगा और मोटर की तरह काम करेगा और सेम डायरेक्शन में रोटेट करता रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, कंटिन्यू टू रन एट रेटेड स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री इज एन आइडियल सिंक्रोनस मोटर हैज़ नो स्टार्टिंग टॉर्क बिकॉज। देखिए, टॉर्क लगने के लिए क्या होता है, टॉर्क लगने के लिए दो फील्ड्स की रिक्वायरमेंट होती हैं और दोनों फील्ड्स के बीच में रिलेटिव स्पीड जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। बट अब स्टार्टिंग में क्या होता है सिंक्रोनस मोटर के केस में, कि जो रोटर का जो फील्ड होता है वो स्टेशनरी होता है और स्टेटर का फील्ड ns स्पीड से रोटेट कर रहा होता है, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ जीरो नहीं होता, यहाँ रिलेटिव स्पीड होता है ns। अगर रिलेटिव स्पीड ns है तो कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, दोनों पोल्स के बीच में जो है वो रिलेटिव स्पीड जीरो होना चाहिए। पोल्स के बीच में, हम कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन स्टेटर एंड रोटर mf इज नॉट जीरो, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थ्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर. अ सिंक्रोनस मोटर इज ऑपरेटिंग ऑन नो लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर. इफ द फील्ड करंट इज इंक्रीज द पावर फैक्टर. अभी क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर का. देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं क्वेश्चन गलत करते हैं, मोटर है या जनरेटर है वो देखेंगे नहीं, वो उनको जो आता है जो उनको समझ में आता है वो करना शुरू कर देते हैं. तो इंपॉर्टेंट है पढ़ना कि मोटर का क्वेश्चन है या जनरेटर का क्वेश्चन है, एकदम ध्यान दीजिए इस चीज़ का. अब क्या बोला जा रहा है कि यूनिटी पावर फैक्टर पे वो काम कर रहा था, अब फील्ड करंट को इंक्रीज कर दिए. देखिए यहाँ पे फील्ड करंट की बात है, पावर फैक्टर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इन्वर्टेड वी कर्व बना लीजिए. जब भी पावर फैक्टर का क्वेश्चन होगा तो आपको इन्वर्टेड वी कर्व बनाना है, जब भी आर्मेचर करंट का क्वेश्चन होगा तो आप वी कर्व बनाया कीजिए. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये जो होता है जहाँ पर पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है यानी कि वन होता है जहाँ पावर फैक्टर जिस एक्साइटेशन पे, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एक्साइटेशन या नॉमिनल एक्साइटेशन. यानी कि इसी एक्साइटेशन पे वो क्या कर रहा था, काम कर रहा था. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि एक्साइटेशन बढ़ा दिया. अगर आप एक्साइटेशन बढ़ाइएगा तो ऑब्वियस ही बात है पहले यहाँ वर्क कर रहा था, अगर इस पॉइंट पर आप लीजिएगा तो अब तो पावर फैक्टर तो क्या हो जाएगा, वन से कम ही होगा. वन से ज़्यादा कभी पावर फैक्टर हो सकता है क्या, नहीं. ठीक है ना, तो एक्साइटेशन बढ़ाएंगे या घटाएंगे पावर फैक्टर तो घटना ही है, बट आपको ये बताना है कि लैगिंग है कि लीडिंग है. तो अगर आपने आर्मेचर रिएक्शन पढ़ाया है तो आपको पता होना चाहिए कि ये ओवर एक्साइटेड का केस हो गया, और ओवर एक्साइटेड के केस में सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो लीडिंग पावर फैक्टर पर वर्क कर रहा होता है. तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा लीडिंग पावर फैक्टर होगा, और लीडिंग पावर फैक्टर होगा और पावर फैक्टर डिक्रीज होगा, बट यहाँ करंट के बारे में पूछा गया आपसे. ओके, तो करंट के बारे में पूछा गया तो वी कर्व देख लेते हैं, वी कर्व बना लेते हैं. वी कर्व अगर बनाएंगे हमको पता है कि यहाँ पे पहले से काम कर रहा है, एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी. दिख रहा है हमें, हम जब जैसे जैसे इधर जाएंगे राइट हैंड साइड में जैसे जैसे जाएंगे करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी. यूनिटी पावर फैक्टर पर करंट की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है. तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करेगा और करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा अगर आप एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो. देखिए इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व और आर्मेचर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ सिंक्रोनस मोटर विद नेग्लिजिबल आर्मेचर रेसिस्टेंस रन्स एट अ लोड एंगल ऑफ 20 डिग्री एट द रेटेड फ्रीक्वेंसी इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज बाय 10%. अब इस क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक सिंक्रोनस मोटर जो 20 डिग्री पर रन कर रहा था, रेटेड फ्रीक्वेंसी 20 डिग्री लोड एंगल के साथ रन कर रहा था रेटेड फ्रीक्वेंसी पे, अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी को अगर 10% बढ़ा दिया जाए तो नया लोड एंगल क्या होगा, ये हमें देखना है. यहाँ पे दे दिया कि एवरीथिंग इज कांस्टेंट, अगर नहीं भी लिखता तो हम लोग एवरीथिंग कांस्टेंट मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देते. हमें पता है पी इज इक्वल टू ई वी बाई एक्सेस इंटू साइन डेल्टा होता है. ठीक है ना, यहाँ हर चीज़ कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्टिव पावर कांस्टेंट है, ई वी कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, और बट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है. हमें पता है एक्सेस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है ना, रिएक्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है. हमको पता है 2πf(L) होता है रिएक्टेंस का फॉर्मूला. यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा. तो यहाँ पर एक्सेस तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ से रिलेशन निकल के आ जाएगा कि साइन डेल्टा जो है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एक्सेस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता था. अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ तो साइन डेल्टा की वैल्यू भी क्या होगी, बोलिए साइन डेल्टा की भी वैल्यू क्या होगी, साइन डेल्टा की वैल्यू भी इंक्रीज होनी चाहिए. अगर साइन डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो डेल्टा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. तो यहाँ पे हमारा आंसर होने वाला है कि डेल्टा का वैल्यू तो इंक्रीज होना है, और सारे ऑप्शन अगर हम देखें तो डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज होने में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, वो है ऑप्शन डी. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन मैच द फॉलोइंग. ठीक है, तो हमें मैच करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि ईएमएफ मेथड जो होता है वोल्टेज रेगुलेशन का, वो सबसे ज्यादा वोल्टेज रेगुलेशन देता है. ईएमएफ मेथड क्या देता है, सबसे ज्यादा वोल्टेज रेगुलेशन ईएमएफ मेथड ही देता है. सबसे ज्यादा वाला कौन सा है, तो ए का सी हो जाएगा. यहाँ पे आंसर बहुत ईजी है, ए का आंसर हो जाएगा सी. और एमएमएफ मेथड जो है ईएमएफ मेथड सबसे ज़्यादा देता है, और एमएमएफ मेथड जो है वो सबसे कम देता है. तो बी का हो जाएगा 2.
ठीक है, सॉरी, ए का हो जाएगा 3 3 एंड बी का हो जाएगा 2, और जेड पी एफ मेथड जो है वो, इसको हम लोग पोटियर ट्रायंगल मेथड भी बोलते हैं, ये एक्यूरेट रीडिंग देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 डिग्री। सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ शायद इसमें, देखिए ई एम एफ मेथड सबसे ज़्यादा देगा, तो ई एम एफ मेथड सबसे ज़्यादा कौन सा वैल्यू है, ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 2, तो A3 B1 C2, यानी ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सिंक्रोनस मशीन डैम्पर वाइंडिंग आर यूज्ड टू, ठीक है, सिंक्रोनस मशीन में डैम्पर वाइंडिंग किस लिए यूज करते हैं, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम मोटर की बात करें, यहाँ सारे ऑप्शन में मोटर की बात हो रही है, तो हंटिंग को रिड्यूस करने के लिए और स्टार्टिंग मेथड्स के स्टार्टिंग पर्पज के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग को यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द वी कर्व शोन इन द बिलो फिगर फॉर ए सिंक्रोनस मोटर द पैरामीटर ऑफ वाई एंड एक्स, यहाँ पे जो वाई और एक्स है वो क्या दिखा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमें पता होना चाहिए वी कर्व जो ड्रॉ होता है, वी कर्व जो ड्रॉ होता है, वी कर्व में वाई एक्सिस पे हम लोग लेते हैं आर्मेचर करंट, ठीक है ना, और एक्स एक्सिस पे हमारा रहता है फील्ड करंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक्साइटेशन, जो कि चूंकि एक्साइटेशन ईएमएफ जो है वो फील्ड करंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, और ये वी कर्व है, ठीक है ना। वी कर्व में आपको पता होना चाहिए वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व हम लोग पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान के ड्रॉ करते हैं और वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान के ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। वाई दिखा रहा है आर्मेचर करंट और एक्स दिखा रहा है फील्ड करंट, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है सिंक्रोनस कंडेंसर में, सिंक्रोनस कंडेंसर का मतलब क्या होता है, देखिए सिंक्रोनस कंडेंसर अगर देखा जाए, सिंक्रोनस कंडेंसर एक तरह का सिंक्रोनस मोटर है, क्या है, सिंक्रोनस मोटर है, और ये सिंक्रोनस मोटर कैसा है, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है जो नो लोड पे होता है, आपको पता होना चाहिए चीज। तो सिंक्रोनस कंडेंसर, कंडेंसर हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैपेसिटर रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है, तो सिंक्रोनस मोटर भी रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है, किस पावर फैक्टर पे, लीडिंग पावर फैक्टर पे, किस पावर फैक्टर पे, लीडिंग पावर फैक्टर पे, यानी कि ओवर एक्साइटेड वाले केस में, इस रीजन में, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है ओवर एक्साइटेड कंडीशन पे पावर फैक्टर जो होता है सिंक्रोनस मोटर का वो लीडिंग होता है। आर्मेचर एक्शन आपको पता होना चाहिए, देखिए आपको आर्मेचर एक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि ओवर एक्साइटेड के केस में या लैगिंग पावर फैक्टर के केस में, लीडिंग पावर फैक्टर के केस में क्या होता है, ठीक है ना। जैसे लीडिंग पावर फैक्टर के केस में सिंक्रोनस मोटर का जो आर्मेचर एक्शन का इफेक्ट है वो डीमैग्नेटाइजेशन है, ठीक है ना, और जनरेटर का जो है वो मैग्नेटाइजेशन है, किसी एक का आपको याद रखना है, जनरेटर का या फिर मोटर का, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो कहीं लिख लीजिए अच्छे से। देखिए जनरेटर के केस का हम लोग याद कर लेते हैं, जनरेटर केस में क्या होता है, जब लैगिंग लोड होता है तो डीमैग्नेटाइजेशन होता है, और जब लीडिंग लोड होता है तो वहाँ पे लीडिंग पावर फैक्टर लोड होता है तो मैग्नेटाइजेशन होता है, अगर यूनिटी पावर फैक्टर लोड होता है तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है। अब इसी का उल्टा आप सिंक्रोनस मोटर में कर सकते हैं, अगर लैगिंग पावर फैक्टर लोड होगा तो हो जाएगा मैग्नेटाइजेशन, अगर लीडिंग पावर फैक्टर लोड होगा तो हो जाएगा डीमैग्नेटाइजेशन, और अगर यूनिटी पावर फैक्टर लोड होगा तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन ही रहेगा। यूनिटी पावर फैक्टर में दोनों का आंसर क्या है, सेम है, तो आई होप यहाँ पर ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। An overexcited synchronous motor operating at no load with leading power factor used in large power station for improvement of power factor. Next question देखते हैं। If the field of a synchronous motor is underexcited, the power factor will be. बहुत ही simple सा question है ये, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता इस पूरे paper में, ठीक है ना। यहाँ बोला जा रहा है underexcited है, तो underexcited का मतलब क्या है कि इधर हमको हमें देखना है, तो underexcited का मतलब है कि लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा होगा, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर का केस है, ये इंपॉर्टेंट है, मोटर या जनरेटर, यही जनरेटर का केस होता तो यहाँ पे आता लीडिंग और इधर आता लैगिंग, बट ये मोटर है तो अंडर सॉरी ओवर लिख दिया मैंने, अंडर हो जाएगा, ये अंडर एक्साइटेड होता है इधर, और ये इधर होता है ओवर एक्साइटेड, इस पॉइंट पर ये होता है नॉमिनल एक्साइटेड जहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर होता है, ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आंसर ई, 10 का आंसर हो जाएगा ई, ऑप्शन ई इज आवर करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
11. Which of the following graph represents the speed torque characteristics of synchronous motor? Synchronous motor का speed torque characteristics आपको बताना है. तो हमें पता है कि synchronous motor जो होता है वो constant speed motor होता है, वो load के ऊपर depend नहीं करता है. तो अगर मैं स्पीड और टॉर्क के बीच में रिलेशन बनाऊं, तो यहाँ अगर हम स्पीड लिखें और यहाँ हमने हम क्या लिख लें, टॉर्क, तो टॉर्क चेंज होता रहेगा बट स्पीड के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. ये हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पर रन करता है, नो लोड कंडीशन में भी और लोडेड कंडीशन में भी. अब ग्राफ तो ऐसे दिया नहीं हुआ है, ग्राफ में क्या किया है, ग्राफ में वाई एक्सिस पे टी को लिखा है और एक्स एक्सिस पे स्पीड को लिखा है, इसलिए स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जा रहे हैं. तो देखिए ऑप्शन ए में और मैंने जो ग्राफ बनाया उसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक्सिस का फर्क है. सिर्फ किसका फर्क है, एक्सिस का फर्क है. यानी आपको पता होना चाहिए कि जहां पे स्पीड होगा, स्पीड वाले एक्सिस से कांस्टेंट लाइन एक जाएगा, ठीक है ना. तो आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इसमें ऑप्शन ए में जो है वो स्पीड कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, कि देखिए आप ऊपर की तरफ जाइए टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बट स्पीड की वैल्यू क्या रह रही है, हमेशा सेम वैल्यू रह रही है, ठीक है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर इन द क्वेश्चन नंबर 11. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट फॉर डिटरमिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर. देखिए मोस्ट एक्यूरेट मेथड जो है वो तो अमेरिकन इंस्टीट्यूशन स्टैंडर्ड मेथड होना चाहिए, बट मैंने यहाँ आंसर दिया वो पोटियर ट्रायंगल मेथड दिया हुआ. यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है हमेशा कि कौन सा आंसर होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ऑप्शन सी ही आंसर देना चाहिए, ठीक है ना. ज्यादातर बुक में ऑप्शन सी ही आंसर दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. यहाँ क्या पूछा है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अब देखिए सिंक्रोनस मशीन का जो क्वेश्चन है वो देखने में बड़ा लगता है बट आसान होता है क्वेश्चन. आपके लेवल के, आपके एग्जाम के लेवल का जो क्वेश्चन होगा बहुत ही आसान होगा. अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपके पास एक्साइटेशन करंट 10 एम्पियर है, वो 200 एम्पियर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में आर्मेचर करंट दे रहा है. यानी कि हमें शॉर्ट सर्किट करंट पता है. देखिए हमें क्या पता है, हमें पता है शॉर्ट सर्किट करंट कितना, 200 एम्पियर, और हमें पता है ओपन सर्किट वोल्टेज 450 वोल्ट. तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिंक्रोनस इंपेडेंस जो होता है, ZS जो होता है, उसका डिफिनेशन है VOC बाई ISC फॉर ए गिवेन फील्ड करंट. तो देखिए ये 10 एम्पियर फील्ड करंट रखने पे 200 एम्पियर शॉर्ट सर्किट करंट मिल रहा है, अगर ओपन सर्किट वोल्टेज करें तो 450 वोल्ट मिलेगा इसी 10 एम्पियर पे. तो करंट फील्ड करंट सेम होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको कि फील्ड करंट सेम रखना है तभी आप सिंक्रोनस इंपेडेंस बता सकते हैं. तो ZS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VOC की वैल्यू दी है 450 और ISC की वैल्यू दी है कितनी, 200. इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2.24 के आसपास, यहाँ पे आंसर आपका आने वाला है. अब यहाँ पे बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है कि चूंकि सिंक्रोनस रिएक्टेंस पूछा है, आपने सर इंपेडेंस बता दिया और यहाँ रेसिस्टेंस भी है, तो आप चाहें तो सॉल्व कर लीजिए, एग्जैक्ट वैल्यू आपको आ जाएगा. तो XS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ZS का स्क्वायर माइनस RA का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व कीजिएगा, अप्रॉक्सीमेटली 2.24 ही आंसर आएगा, बट जरूरत नहीं है सॉल्व करने की क्योंकि RA की वैल्यू जो है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू ZS. तो ऑलमोस्ट जो वैल्यू है वो उसके ही इक्वल रहने वाली है, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंक्रोनस मोटर कनेक्टेड टू द बस बार रनिंग एट नो लोड कंडीशन. क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सिंक्रोनस मोटर है, बस बार से कनेक्टेड है, नो लोड कंडीशन पे है, ठीक है. बस बार से कनेक्टेड होने का मतलब होता है कि वोल्टेज कांस्टेंट है, सिंपली फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है. कंडीशन द एयर गैप फ्लक्स यानी कि रिजल्टेंट फ्लक्स की बात कर रहा है, वो कितना है, 20 मिली वेबर है. रिजल्टेंट फ्लक्स कितना दिया हुआ है, 20 मिली वेबर. किस कंडीशन पे, नो लोड कंडीशन पे, कोई लोड नहीं लगा हुआ है. तब देन द मोटर, सॉरी नो लोड कंडीशन, ओके. देन द मोटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई. अब कहा जा रहा है कि मोटर को सप्लाई से डिसकनेक्ट कर दिया गया, यानी कि जो आपको टर्मिनल वोल्टेज जो आप दे रहे थे, जो उसको सप्लाई दे रहे थे, सप्लाई हटा दिया गया. देन एयर गैप फ्लक्स फाउंडेड टू बी 25 मिली वेबर. देन द नो लोड पावर फैक्टर ऑफ द मोटर इज. देखिए जब सप्लाई है तो दोनों फ्लक्स होंगे. देखिए जब सप्लाई है तो दोनों फ्लक्स होगा. दोनों फ्लक्स मतलब फील्ड फ्लक्स भी होगा और आर्मेचर फ्लक्स भी होगा, दोनों फील्ड मौजूद होंगे जब सप्लाई देंगे आप. तो बट जब आपने सप्लाई कट कर दिया तो एक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया. तो
एक फील्ड जीरो होने के बाद भी क्या देख रहे हैं हम लोग कि ओवरऑल फ्लक्स की वैल्यू बढ़ गई है पहले से। इसका मतलब क्या है कि जब सप्लाई था तो ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे को अपोज कर रहे होंगे, तभी तो फील्ड कम होगा हुआ होगा, 20 मिली वेबर है ठीक है जब सप्लाई था तो। बट जब हम सप्लाई हटा रहे हैं तो फ्लक्स बढ़ गया, इसका मतलब कोई एक फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लूँ कि आर्मेचर फ्लक्स को हमने जीरो कर दिया, जब सप्लाई हटा दिया तो आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो आर्मेचर करंट है जीरो, तब हम देख रहे हैं कि हमारा फ्लक्स ओवरऑल बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है कि जब लोड लगा हुआ था, यानी कि जब सप्लाई था, भले वो नो लोड ही कंडीशन पे था, बट जब सप्लाई था तो यहाँ पे डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा था। क्या हो रहा था, डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा था, तभी तो फ्लक्स की वैल्यू घटी है। और सप्लाई हटाते ही फ्लक्स की वैल्यू बढ़ गया, इसका मतलब जब सप्लाई था तो दोनों फ्लक्स एक दूसरे को अपोज कर रहे होंगे, तभी तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हुई होगी, कम हुई होगी। यानी कि वहाँ पर डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा था। अगर डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है और सिंक्रोनस मोटर का केस है तो आर्मेचर रिएक्शन से बताइए कि किस केस में डीमैग्नेटाइजेशन होता है मोटर के केस में। तो हमें पता है लीडिंग पावर फैक्टर लोड पे सिंक्रोनस मोटर का जो आर्मेचर रिएक्शन का नेचर होता है वो डीमैग्नेटाइजेशन होता है, और यही अगर जनरेटर होता तो लैगिंग पावर फैक्टर पे होता। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि कॉइल स्पैन जो है अल्टरनेटर का वो है 160 डिग्री, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक इज एब्सेंट। तो कॉइल स्पैन क्या होता है, कॉइल स्पैन होता है बीटा ठीक है ना, कॉइल स्पैन होता है बीटा। बीटा की वैल्यू दी हुई है कितनी, 60 डिग्री। अगर आपको nth हार्मोनिक्स को इलिमिनेट करना है तो बीटा की वैल्यू होनी चाहिए n माइनस 1 बाई एन इंटू 180 डिग्री, ये होना चाहिए ठीक है। फॉर्मूला हम लोग को पहले से पता है। अब बीटा की वैल्यू 160 डिग्री यहाँ पुट कर दीजिए और यहाँ से एन की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं इंटू 180 डिग्री। सॉल्व कर देंगे इसको, यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 8 टाइम्स और ये हो जाएगा 9 टाइम्स, यानी कि n माइनस 1 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू आ रहा है 8/9। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, जब n की जगह पर 9 रखिएगा आप तो वहां पे आ जाएगा 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 9 यानी कि 8/9। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान है। इसमें पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम आउटपुट आपको बताना है। तो मैक्सिमम आउटपुट का देख, तो पावर का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। पहले पावर इज इक्वल टू होता है ईवी बाई एक्सेस इंटू साइन डेल्टा ठीक है ना। दोनों में सेम फॉर्मूला रखेंगे, अल्टरनेटर हो या फिर मोटर हो। यहाँ पे मैक्सिमम पावर बोल रहा है, तो मैक्सिमम पावर कब होगा, जब डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। तो जब डेल्टा की वैल्यू 90 डिग्री रखिएगा तो पी मैक्सिमम मिलना है, और पी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी ई वी बाई एक्सिस, क्योंकि साइन 90 कितना हो जाएगा 1। तो यही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है लोगों को कि वो लोग यूनिट सही से नहीं रखते हैं, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो पी मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 kV इंटू 14 kV डिवाइडेड बाई एक्सिस कितना है 10 ओम। अब यहाँ ध्यान देखना है, यहाँ पे ये हो गया किलो वोल्ट का होल स्क्वायर, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऊपर भी किलो वोल्ट है, नीचे भी ये भी किलो वोल्ट में, ये भी किलो वोल्ट में। तो किलो वोल्ट क्या हो, किलो वोल्ट का स्क्वायर हो गया ऊपर यूनिट, और नीचे क्या है ओम में है। तो नीचे ऐसा यूनिट में है बट वहाँ किलो में है, तो इस किलो को तो वोल्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो एक किलो को वोल्ट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10^3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 किलो है तो किलो को चेंज करने 10^6 आ जाएगा, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग बहुत ईजिली, हमारा आंसर आने वाला है 15400 किलोवाट, या फिर यहाँ पे किलोवाट में आंसर देना है आपको। तो यहाँ पे एक ही किलो को आप चेंज करिए वोल्ट में ठीक है ना। या एक काम और कर सकते हैं, अगर ज़्यादा अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ये कर सकते हैं 11 × 10^3 इंटू 14 × 10^3 डिवाइड बाय 10 करके सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आंसर आएगा वाट में, उसको किलोवाट में चेंज कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ड्यूरिंग हंटिंग व्हेन द स्पीड बिकम सुपर सिंक्रोनस। सुपर सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है सर, सुपर सिंक्रोनस का मतलब होता है
रोटर की स्पीड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है ना, यानी सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा। तो यहाँ बोला जा रहा है कि अगर रोटर का स्पीड, जो मोटर का स्पीड है वो अगर वो सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाए तो डैम्पर बार में क्या होगा। तो पहले ही मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि डैम्पर बार्स जो हैं, जब भी आपका स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम होता है या ज़्यादा होता है तो डैम्पर बार का वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो अगर स्पीड ज़्यादा हो गया तो अगर हम बोल सकते हैं कि उसको स्पीड को वो कम करने की कोशिश करेगा, तो स्पीड को कम करने के लिए वो इंडक्शन जनरेटर टॉर्क लगाएगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा उसके रोटेशन के, कि उसके स्पीड क्या हो जाए, डिक्रीज होकर फिर सिंक्रोनस स्पीड पे आ जाए। तो यहाँ आंसर होगा हमारा इंडक्शन जनरेटर टॉर्क, यानी कि ऑप्शन डी। और यही क्वेश्चन होता है कि जो रोटर का जो स्पीड है सिंक्रोनस स्पीड से कम हो गया तो वहाँ पे इंडक्शन मोटर टॉर्क डैम्पर बार प्रोड्यूस करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि थर्मल, न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर प्लांट्स में किस स्पीड के जनरेटर्स यूज होंगे। तो हमें पता है कि सिंक्रोनस स्पीड होना चाहिए, तो सिंक्रोनस स्पीड होना चाहिए। और हाइड्रो पावर प्लांट में साइलेंट पोल सिंक्रोनस मशीन हम लोग यूज़ करते हैं, तो साइलेंट पोल की स्पीड बहुत ही कम होती है। तो सबसे कम स्पीड वाला कौन सा है, 300 RPM वाला है, यानी ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट्स में जो है वहाँ पे हम लोग साइलेंट पोल रोटर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, साइलेंट पोल रोटर यूज़ करते हैं, और इसकी स्पीड बहुत ही कम होती है, ठीक है ना, 50 RPM टू 1000 RPM, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं रखते हैं, ठीक है, बहुत ही कम स्पीड वाला हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और 900 RPM यहाँ दिया हुआ है, 900 RPM तो कोई सिंक्रोनस स्पीड है ही नहीं, ठीक है, 900 RPM सिंक्रोनस स्पीड नहीं होता, क्योंकि हमें पता है 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे 50 हर्ट्ज मान के चलेंगे। तो थर्मल पावर प्लांट में जो होता है वहाँ पर भी टर्बो अल्टरनेटर यूज़ करते हैं। टर्बो अल्टरनेटर जो है ना वो 1500 RPM पे यूज़ होता है या फिर 3000 RPM पे यूज़ होता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो 3000 RPM पे ही हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। जहाँ पर भी स्टीम आएगा ना वहाँ पे टर्बो अल्टरनेटर ही यूज़ होता है। तो थर्मल पावर प्लांट में भी हम लोग क्या करते हैं, जो कोयला है हमारे पास, जो कोल है उसके हीट एनर्जी से हम लोग जो वाटर है उसको गर्म करते हैं और उसको हम लोग स्टीम बनाते हैं और उस स्टीम को टरबाइन पर डालते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग वही करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी एज ए फ्यूल यूज़ करके हम लोग वाटर को स्टीम में चेंज करते हैं और टर्बाइन पर फॉल करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी होगा, जहाँ भी स्टीम वाला पावर प्लांट होगा वहाँ पर टर्बो अल्टरनेटर ही यूज़ करना चाहिए, हाई स्पीड अल्टरनेटर। टर्बो अल्टरनेटर में जो नंबर ऑफ पोल्स यूज़ करते हैं वो दो होता है या फिर चार पोल्स का यूज़ करते हैं, बट साइलेंट पोल रोटर में जो नंबर ऑफ पोल्स यूज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ पोल्स यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए सिंक्रोनस मशीन डैम्पर वाइंडिंग आर यूज्ड टू। तो सिंक्रोनस मशीन में डैम्पर वाइंडिंग किस लिए यूज़ होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, स्टार्टिंग के लिए और हंटिंग को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि आप जनरेटेड ईएमएफ बताइए अगर लोड जो है वो प्योरली इंडक्टिव लोड है। प्योरली इंडक्टिव लोड का मतलब क्या हुआ, प्योरली इंडक्टिव लोड का मतलब हुआ कि करंट जो है वो लीड कर रहा होगा वोल्टेज से, करंट क्या कर रहा होगा, वोल्टेज से लीड कर रहा होगा। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे अल्टरनेटर बनाऊँ तो अल्टरनेटर में इस तरह से हम डायग्राम बना सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रेफरेंस वोल्टेज मान रहे होते हैं, इसको हम लोग रेफरेंस वोल्टेज मानते हैं और यहाँ पे लिखते हैं E एट एंगल ऑफ डेल्टा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिएक्टेंस दिया हुआ है, तो जे एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि करंट जो है वो प्योरली इंडक्टिव है, यानी कि वोल्टेज से करंट जो है वो क्या कर रहा होगा, सॉरी प्योरली कैपेसिटिव है, प्योरली कैपेसिटिव लोड लगा हुआ, यानी करंट क्या कर रहा होगा, 90 डिग्री से लीड कर रहा होगा। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, E इज इक्वल टू होता है V प्लस आई ए इंटू जेड एस। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं रखते हैं, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड प्लस एंगल सारा चीज़ रखना पड़ेगा वेक्टर के फॉर्म में। तो V क्या है, V की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे कितनी, 200 वोल्ट। तो 200 एट एंगल ऑफ 0 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस आर्मेचर करंट की वैल्यू दिया हुआ है कितना,
10 एम्पियर, तो 10 इंटू एट एंगल ऑफ 90 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो लोड है वो कैपेसिटिव लोड है, और कैपेसिटिव लोड में करंट क्या करता है, वोल्टेज से लीड करता है 90 डिग्री से, इसलिए हमने 10 एट एंगल ऑफ 90 डिग्री ले लिया। और इम्पिडेंस जो है, यहाँ इम्पिडेंस ना देके क्या दिया हुआ है, रिएक्टेंस दिया हुआ है, चूंकि रेसिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सिर्फ रिएक्टेंस है, एक्सेस है, और रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी है 2 ओम, और यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। प्योर रिएक्टेंस में हमेशा एंगल कितना होता है 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री। और इसको सॉल्व कर देंगे, 200 एट एंगल ऑफ 0 डिग्री को क्या लिखेंगे, 200 प्लस यहाँ कितना आ गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, और एंगल जो होता है मल्टीप्लीकेशन में ऐड होता है, यानी ये हो जाएगा 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हमारा आंसर आने वाला है 200 प्लस 20 एट एंगल ऑफ 180 डिग्री को सॉल्व कीजिएगा। मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ, 20 कॉस 180 डिग्री लिखिएगा, प्लस जे ऑफ 20 साइन 180 डिग्री इसको लिखिएगा, साइन 180 डिग्री हो जाएगा कितना 0, और कॉस 180 डिग्री हो जाएगा -1, यानी आंसर आने वाला है यहाँ पे 200 माइनस 20 यानी कि 180 डिग्री। ये तो हुआ आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन, बट इसको मैं बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था, क्योंकि ये जनरेटर का केस है, और जनरेटर केस में प्योरली कैपेसिटिव लोड लगाए हुए हैं, और प्योरली कैपेसिटिव लोड का मतलब होता है कि टर्मिनल वोल्टेज राइज करेगा, क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज राइज करने वाला है, टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा होता है, ठीक है। हमें पता है कि लीडिंग पावर फैक्टर लोड पे वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव आता है, क्यों, क्योंकि इंड्यूस वोल्टेज से टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे इंड्यूस वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज से कम होगा, तो 200 से कम वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है, क्योंकि प्योरली कैपेसिटिव है, तो ये पक्का है कि आप कैसे भी डेटा ले लीजिए, क्या होगा, जो आपका इंड्यूस वोल्टेज होगा वो टर्मिनल वोल्टेज से क्या होगा, कम होगा, ठीक है, जनरेटेड वोल्टेज जो होगा वो टर्मिनल वोल्टेज से कम होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 था। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है, इन ए सिंगल लेयर थ्री फेज वाइंडिंग हैविंग टू स्लॉट्स पर पोल पर फेज, द फेज स्पीड इज, और फेज स्पीड क्या होता है पहले वो समझते हैं हम लोग। देखिए फेज स्पीड जो होता है वो होता है, फेज स्पीड इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं एम इंटू गामा। गामा क्या है, स्लॉट एंगल, ये क्या है, स्लॉट एंगल, और एम क्या है, स्लॉट्स पर पुल पर फेज। तो यहाँ पे स्लॉट्स पर पुल पर फेज दिया हुआ है, स्लॉट्स पर पुल पर फेज दिया हुआ है कितना, 2, स्लॉट्स पर पुल पर फेज दिया हुआ है 2, स्लॉट्स पर पुल पर फेज की वैल्यू दी हुई है कितनी 2, ठीक है। बट हमें वाई नहीं पता, गामा नहीं पता, तो गामा इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री डिवाइड बाय स्लॉट्स पर पोल, बट आपको स्लॉट्स पर पोल नहीं पता, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको फेज पता है, फेज कितना है 3, तो फेज इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो स्लॉट पर पोल कितना हो जाएगा, देखिए पर फेज 2 है, स्लॉट्स पर पोल पर फेज की वैल्यू 2 है, और कितने फेज का मशीन है, 3 फेज का मशीन है, तो स्लॉट्स पर पोल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पे आप y निकाल सकते हैं, यहाँ से 180 डिग्री डिवाइड बाय 6 यानी कितना 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आपका y आ गया, आपके पास m पता है, आप यहाँ पुट कर दीजिए फेज स्पीड का फॉर्मूला में, तो 30 डिग्री इंटू 2 हो जाएगा यानी कि 60 डिग्री आपका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिए, टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इसमें प्रोवाइड किए हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आप इस टेस्ट सीरीज का आप ज़रूर देखिएगा, जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसका नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू।